सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होने के साथ साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो देखिए, मेरे पास एक वीडियो कॉन का D2H है, HD क्वालिटी का है और इसका जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ही अभाव एक्सेलेंट है। तो मैं आज इसको खोलूंगा, आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, कैसे काम करता है। तो बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले आपको दिखाया, तो इसको ओवरव्यू जो है देखिए, ये जो सेट टॉप बॉक्स है यहाँ पे पीछे वाली साइड में, यहाँ पे देखिए ये जो है वो है सिग्नल का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट आउटपुट का है, HDMI का है, क्योंकि HD का है, HDMI है, ठीक है। यहाँ पे एक दिया गया है इथरनेट का, यानी कि आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। उसका 12 वोल्ट इनपुट का है और यहाँ पे रीसेट का बटन है, ठीक है। तो ये जो सेट टॉप बॉक्स है बहुत ही HD क्वालिटी का है, इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका जो रिमोट भी इसके साथ आता है, देख सकते हैं आप, इसका रिमोट जो है वो है RF रिमोट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका जो रिमोट है वो RF रिमोट है, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी को बेस करके चलता है। हमारी जो नॉर्मल रिमोट होता है वो तो ऐसे ही, मतलब IR ब्लास्ट, मतलब IR लाइट के ऊपर चलता है, इनफ्रारेड लाइट के ऊपर चलता है, उसको पॉइंट करके ही ये काम करता है। लेकिन आप इस रिमोट को कहीं किसी एंगल से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो क्योंकि RF रिमोट है। और इसका सेट टॉप बॉक्स जो है वो फुली वर्किंग कंडीशन में है, मैं आपको दिखा रहा हूँ पावर ऑन करके। तो अगर मैं पावर ऑन करूँ, आप देख सकते हैं, अगर मैं इसमें कनेक्ट करूँ पावर, ठीक है। तो देखिए, पावर कनेक्ट करने के साथ साथ इसका जो लाइट है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया है, यानी कि इसका ये जो सेट टॉप बॉक्स है ये वर्किंग कंडीशन में, देखिए अभी इसमें ब्लू लाइट जल रहा है, ठीक है। यानी कि सेट टॉप बॉक्स जो है वो वर्किंग कंडीशन में मेरी TV में लगा हुआ था, तो मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, आपको पता चला जाएगा इसके अंदर क्या क्या है और मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो बचपन से आदत है, कुछ भी घर में आता है तो उसको खोल के इसका जिगर निगर निकाल के इसको खा लेता हूँ, मैं पहले से आदत है मेरा। तो चलिए इसमें उसको खोल लेते हैं, उसके पहले इसका जो पावर है इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको खोल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर खोल लेते हैं फटाफट से। देखिए, इसको खोलने के लिए इसका जो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रू दिया गया है, यहाँ पे स्क्रू है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस साइड पे 2 स्क्रू है, ये वाला एक स्क्रू है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्क्रू है, ठीक है, देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो सेट टॉप बॉक्स है अभी भी इसका जो वारंटी का सील है अभी भी यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हो। थोड़ा उखड़ गया शायद, इस जगह से उखड़ गया थोड़ा, कोई उखड़ उखड़ा था शायद इसको, लेकिन खोला कभी नहीं गया सर, ऐसे उखड़ गया। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं फटाफट से, ठीक है। ये वाला स्क्रू को खोल लेते हैं, ये वाला स्क्रू को खोल लेते हैं, ये वाला स्क्रू को खोल लेते हैं और ये वाला स्क्रू को भी फटाफट से हम खोल लेते हैं, ठीक है। तो इसे खोलने के लिए मैं फ्लिप हेड स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करूँगा। देखिए, आप देख सकते हैं मैं हर वीडियो में यही वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता हूँ। तो चलिए इसको खोल लेते हैं फटाफट से। स्क्रू को भी, और यहाँ पे 2 स्क्रू था उसको भी मैं अनस्क्रू कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। देखिए, इसका जो 2 पार्टीशन है आप देख सकते हैं, इस जगह पे इसका पार्टीशन किया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से नीचे वाला हिस्से को खोल देता हूँ पहले, लगता है खुल जाएगा ऐसे ही, मुझे पता नहीं है फ्रेंड, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं इसको खोला हूँ। मैं पहले एक टाटा स्काई का खोला था, मेरे चैनल में है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते जाके। तो देखिए ऐसे निकल आया, ठीक है। उसके बाद ये वाला पीछे वाला जो ढक्कन है निकल आया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये वाला जो हिस्सा है इसका मेन PVC है, सॉरी PCB है, मैं गलत बोल चुका, PCB है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर इस जगह पे लगा हुआ है, ये वाला जो प्रोसेसर है उसके ऊपर एक हीट सिंक दिया हुआ है, क्योंकि प्रोसेसर जो गर्म हो जाता है तो मतलब थोड़ा हैंग वैंग कर सकता है, इसके लिए इसके ऊपर एक मतलब थोड़ा हीट हो जाएगा तो सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए इसके ऊपर एक हीट सिंक दिया गया है। ये एलुमिनियम के क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक क्रिस्टल है, उसके बाद यहाँ पे एक मेमोरी कंट्रोलर है और कुछ कैपेसिटर है, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हैं आप, इस जगह पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वीडियो कॉन का सिम डलवा हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं इस जगह पे एक वीडियो कॉन का सिम डलवा हुआ है, ठीक है। जो सिम जो है, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी सेट टॉप बॉक्स में अभी सिम है। अगर ऐसा लग, मतलब हो सकता है कि आप देख चुके हो, लेकिन मैं नहीं देखा हूँ। तो देखिए, सिम जो है वीडियो कॉन का सिम है, मेरा जो टाटा स्काई का सेट टॉप बॉक्स है उसमें एक कार्ड डलवा था, ऐसा ATM कार्ड के ऐसा बड़ा, मतलब बल्कि सा कार्ड है उसके अंदर, लेकिन इसमें कोई कार्ड वार्ड नहीं है, सिम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे वह बात कि वीडियो कॉन का सिम डलवा के चल रहा है, बहुत ही स्मार्ट हो चुका है, अभी सिस्टम है बहुत ही अपग्रेड हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो कॉन D2H का लोगो है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे क्या है मुझे ए वाला हिस्सा मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है किसी भी व्यूअर को तो मुझे ज़रूर बताइए, तो मैं उसका कमेंट जो है पिंग कर दूंगा तो बाकी को मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कोई आईआर रिसीवर नहीं है क्योंकि ये जो है आरएफ चलता है, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर चलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट आउटपुट जो पैनल है यहाँ पे लगा हुआ है, ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे HDMI का जो कनेक्टर है यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीसेट का बटन यहाँ पे दबा के ये वाला हिस्सा जो है रीसेट का है, ओके। और इसमें और कुछ भी नहीं है, यही सब था, इससे ही पूरा कंट्रोल होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगा मुझे ए वाला सिम का जो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और बहुत ही आप देख सकते हो बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का है और बहुत ही अच्छा काम करता है। D2H का सर्विस जो है वो बहुत ही अच्छा है। और आप इस साइड पर देख सकते हैं आप USB का पोर्ट है, तो USB का जो पोर्ट है हमें मुझे लगता है कि ए वाला पोर्ट जो है वो सर्विस अपडेट के लिए रखा हुआ है, यानी कि कंपनी का लोग आके इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट या कुछ कर सकते हैं, इसलिए इसका मैंने सर्विस के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और मतलब यूज़ रिपोर्ट से आप शायद कुछ नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ठीक से पता नहीं है, ठीक है, अभी फोकस नहीं हो रहा है, फोकस कर लेगा, हाँ। तो यही सब था जो था D2H के अंदर, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो वीडियो को पसंद है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और इस जाते जाते मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है। आप देख सकते हैं ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो है वो इस सेट टॉप बॉक्स का जो एडाप्टर है इसमें, अगर आप देखना चाहते हैं कि एडाप्टर के क्या क्या है तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं इसको खोल के भी दिखाऊंगा आपको किसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद आप चलिए इसको वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 12 वोल्ट लिखा हुआ है, कंपनी क्लेम करते हैं इसके अंदर 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर कुछ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट 1.8 एम्पीयर का है, तो एम्पीयर मैं पहले वोल्टेज जो है वो मेजर कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका जो वोल्टेज अभी आ रहा है इसमें तो कितना आ रहा है यार, माइनस वोल्टेज शो कर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज दिखा रहा है यार इसमें, क्या पता क्या हो गया, चलिए फिर उससे देख लेते हैं एक बार, इसमें तो नहीं आ रहा है वोल्टेज, वो अच्छा मुझे मिली वोल्ट में सेट किया हुआ है इसलिए ऐसा नहीं दिखा रहा है दोस्तों, सॉरी फॉर दिस। तो देखिए मैं इसको अभी ठीक कर चुका हूँ, तो अभी देखिए 12 वोल्ट इसमें आ रहा है, यानी कि प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, यानी कि अडोप्टर जो है वो ठीक ही है क्योंकि रनिंग कंडीशन में यार, तो ठीक तो होगा ही। तो चलिए वीडियो को पसंद है इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते, कमेंट में बोल सकते कि क्या बात आपको पसंद नहीं आया, तो मैं थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा अपने आप को, ठीक है। तो चैनल बहुत दिन हो गया तो क्योंकि मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि रेगुलर डाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी कंपनी का काम रहता है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है अभी। तो चलिए ठीक है, तो जो भी था यही था। तो वीडियो को पसंद है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है।